श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनेकों परियोजनाएं, जितना आकांक्षी क्षेत्र था हमारा, उस आकांक्षा के अनुरूप सिंचाई की सुविधाएं हो, हाईवे हो, सब हमको मिल रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड में केन बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए भारत सरकार ने 90-10 के उसमें 46,000 करोड़ रुपए देने का जो काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया, और पहले भी मैंने कई बार सदन में उठाया है कि बुंदेलखंड को 100% ऑर्गेनिक एग्रो इकोनॉमिक जोन के तौर पर डेवलप किया जाए। इसमें भारत सरकार वहाँ पर निर्यात के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, और जो इस बार जो मिलेट ईयर के रूप में जो अपना ये वर्ष मनाया जा रहा है मोदी जी के कारण से, तो मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि अनेकों परियोजनाएं, जितनी जो भी लाभ बुंदेलखंड क्षेत्र को मिल रहा है, मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से एक विशेष आग्रह है, क्योंकि बुंदेलखंड एक विशेष प्रकार की संस्कृति, विशेष प्रकार का क्षेत्र है, केवल एक जमीन का भूभाग का टुकड़ा ना समझ करके। तो अनेकों प्रकार की डिमांड रहती है, लेकिन पूरे देश और प्रदेश के साथ में मिला करके नहीं हो पाती हैं। तो मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि बुंदेलखंड को अलग प्रांत बनाने के लिए भी पूरी उसमें व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि जो भारत सरकार की जो मंशा है श्रद्धेय मोदी जी की और योगी जी की, उस आधार पर पूरे बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और वहाँ की रोजगार के लिए, वहाँ के पर्यटन के लिए, वहाँ की संस्कृति के लिए और धार्मिक क्षेत्र के लिए उसको बढ़ावा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।